बुर की हवेली में आप देख सकते हैं कि जिन्होंने ये पूरी प्रदर्शनी कलाकृति को तैयार किया है, ये सभी बहनें माताएं हैं जिन्होंने तैयार किया है। और आज जनजाति कमिश्नर मैडम यहाँ पहुँचे हैं और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो किया है। तो 10 दिनों तक कड़ी मेहनत से ये पूरी प्रदर्शनी तैयार की है। इसे बागोर की हवेली में पूरा जो है प्रदर्शनी और आज आदिवासी विकास मंच और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो आकर इस यहाँ प्रदर्शनी को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। डेफिनेटली कई सारे इस तरह की प्रतिभाएं हैं हमारे ग्रामीण अंचल की, जो शायद अभी तक वहीं तक थी, गांवों तक सीमित थी, जिनको इस कार्यक्रम के माध्यम से आज यहाँ लाने का आगे प्रयास किया है। निश्चित रूप से जो सारी पेंटिंग्स हम देख रहे हैं, वो सारी पेंटिंग्स की हर एक की अपनी अपनी खासियत है। किसी में लोकल आर्ट बताया हुआ है, किसी में प्रकृति संरक्षण बताया हुआ है, किसी में पशुपालन को लेकर बताया हुआ है, और कई सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं कहीं नेचर्स को भी जोड़ती है और साथ ही इनकी छुपी हुई प्रतिभा है उसको भी बताती है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर आकर इनकी प्रतिभाओं को देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आदिवासी विकास मंच और पूरी इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे ग्रामीणों की इस प्रतिभा को सामने लाए। इनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी, मुझे अभी सुनकर आश्चर्य हुआ, वो निरीक्षर है, वो मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर का जो टैलेंट मुझे लगता है उस आर्ट्स स्कूल में जाके भी शायद वो नहीं आता, वो चीज़ें इस कैनवास पर इन्होंने सामने लाए हैं। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। देखिए, ऐसा ही एक हमारे राजस्थान का मुलेला आर्ट है जो पूरा एक गाँव है जो मुलेला के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी बात थोड़ी देर पहले इस टीम के साथी सरफराज जी कह रहे थे कि हम एक पूरे पूरे गांव को ही डेवलप करने वाले हैं, कि जो पूरा जो गांव है वो इस गांव में सारी आपको ये जो सारी जो इनके आर्ट है, जो कल्चर है, ये आपको दीवारों पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो एक रूरल टूरिज्म का एक हब बन सकता है। फॉरनर्स के अलावा भारत के टूरिस्ट होंगे जो वहाँ विजिट करने आएंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट्स वहाँ देखने के लिए आएंगे। मुझे लगता है निश्चित रूप से ऐसा गाँव डेवलप करने की जो मंशा है वो होनी चाहिए। तो इसमें TAD को, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सबको साथ मिलकर एक प्रयास करना चाहिए। बाहर से लोग देखने आए तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पेंटिंग और हमारा मरना कला है ये सब देखने आए। तो सभी बहनों के यहाँ भाव प्रसन्नित भाव है कि हमारी पेंटिंग को इतने सारे अतिथि देखने के लिए आए हैं, तो इनको एक बहुत ही जो खुशी है वो अनुभूति हो रही है। और सभी अतिथि जो है बड़े ही प्रेम के साथ पेंटिंग को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि हर एक पेंटिंग के अपने को पेंटिंग खरीद के ले जानी, किसी बात की नहीं पड़े, बढ़िया ले जाने बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जीबिशन लगी मुझे ये, जो गांव की हमारी ट्राइबल महिलाएं हैं वो आकर के और ये जो कार्य कर रही है बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उनके द्वारा जब पेंटिंग्स आज इनॉग्रेशन के बाद जब देखी मैंने, तो मन एकदम से इतना प्रफुल्लित हो गया और मन हो गया कि मैं भी यहाँ से 4-5 पेंटिंग्स लेकर के जाऊँ। बहुत ही खूबसूरत काम, बहुत बढ़िया है। वास्तव में ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये अगर सीख गई ना तो आने वाली कम से कम 2-3 पीढ़ियों को सिखा के जाएगी। हम जो स्कूल में करते हैं ना वही काम इन्होंने आज यहाँ पे किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वो काम उन्होंने किया जो अब तक हमारी पुरानी महिलाएं करा करती थी। एक जन जागरण और बिल्कुल नवाचार है, जिसे मैं अच्छा लगा कि ये आगे बढ़ के कुछ अपना दोनों फायदे होंगे, कल्चर भी ट्रांसफर होगी और फाइनेंशियली भी उनको कुछ इनपुट मिलेगा। क्या प्रकृति को भी संरक्षण मिलेगा इसके बाद? बिल्कुल, वो तो है, क्योंकि इनका जो थीम है वो भी इन्होंने उसी से लिया है, इको सिस्टम को इन्होंने डेवलप करने के लिए, और इनके मन में जो था ना वो उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, एक नया कंसेप्ट के साथ काम किया। आई कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक्स टू ऑल द टीम। थैंक यू। जमाते हुए ही हमको समझ में आया कि हेलो।
कैसी ये बनाई गई है, क्या प्रकृति क्या संदेश छुपा हुआ है इसमें? वैसे काफी संदेश छुपा हुआ है। एक तो इनकी जो लाइफस्टाइल थी, जो ट्रेडिशनल कस्टम्स थे, और जिसके बारे में ये लोग अपने आर्ट के थ्रू एग्जीबिट करते थे, वो सारा चीज़ इसमें छुपा हुआ है। हाँ नहीं, ये तो कला तो इनके शुरू से ही ये है, बस उसको ही एक तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग देके और उसको प्रॉपर शेप में लाने की जो है ना ये कार हो रही है। क्योंकि ये ट्राइबल लोग जो है ये इनके वन पर्यावरण से या जो पानी का बचाव के लिए ये तो शुरू से ही जुड़े हुए लोग हैं, और इनकी जो भी आर्ट है इस आर्ट में इसका एक संदेश हमेशा ही रहता है, तो वही संदेश ये लोग एग्जिबिट यहाँ पे किए हुए हैं। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये फोटो प्रदर्शनी आज लगाई गई है, रियल फोटोग्राफी है जो कैनवास के कपड़े पर ये पूरा उखेड़ा गया है, और उसके बाद आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन कमिश्नर मैडम ने किया है। नमस्कार, जिंदाबाद, मैं याकूब मोहम्मद, मैं आज हूँ बागौर के हवेली पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की तरफ, और यहाँ मैं आया हूँ कोटड़ आदिवासी संस्थान की तरफ से। जो आदिवासी महिलाएं जो थी, बहनें थी, उन्होंने सपने अपने जो लुप्त होती कला थी, जो मांडना जिसको बोलते हैं आदिवासी चित्रकारी, उस चित्रकारी को इन्होंने बनाया है। आज उनकी एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, और ख़ास तौर पर इन जितनी भी चित्रकारी अगर उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के नज़दीक ही इन चीज़ों को इन्होंने दर्शाया, क्योंकि अभी जो पर्यावरण जितना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण को जो प्रभावित किया जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने एक तरह से ये पेंटिंग्स की, और पेंटिंग्स के जरिए दिखाया जा रहा है कि किस तरह पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो ये इनकी लुप्त होती कलाएँ, लुप्त होती कलाओं को ही इन्होंने अपने कैनवास के माध्यम से बताया है, और ये इनका बहुत सराहनीय प्रयास है, और सराहनीय प्रयास के साथ साथ लोगों के लिए एक जागरूकता है कि किस तरह हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सके इस पेंटिंग के माध्यम से। और अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जो पर्यावरण के खिलाफ जो जिस तरह की जो कंपनियां और जो देश जो लगे हुए हैं वो पर्यावरण को जो प्रदूषित करते हैं, तो उसके लिए कम से कम ग्रास रूट लेवल पे जो जंगल जमीन पे जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए दर्शाया कि किस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, और हम लोग भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संवर्धन और पर्यावरण प्रोटेक्शन उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और लोगों को इस पेंटिंग से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह हम पर्यावरण को बचा सकें। तो इन आदिवासी महिलाओं का, कोटड़ आदिवासी संस्थान का बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने इस तरह का एक प्रयास किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बताया कि किस प्रकार से हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, बढ़ता हुआ क्लाइमेट, लुप्त होती कलाएं को बचाने के लिए लगातार आदिवासी विकास संस्थान और सामाजिक संगठन सब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लुप्त होती कलाओं को हम बाहर वापस लेके आएं। तो आप देखिए माता जी का चित्रण, ये भोपा जी, पेड़ पौधे, हाथी, घोड़ा, सभी प्रकार की यहाँ चित्रण तस्वीरें जो है वो बनाई गई है कैनवास के पत्तों पर। जी साहब, कैसा लगा सचिव साहब? इतना बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, और ये पहली बार इस तरह का जो मांडना का जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है। ये पहली बार इस तरह के जो मांडना बनाया है तो हम लोग भी खुश हैं इस चीज़ को। ये हमारी पुरानी परंपरागत थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, तो उसको वापस जीवित करने में अच्छा, ये जो कल्चर है वो वापस जीवित हो रही है हमारे शादी ब्याह में, और कोई त्यौहार पे इस तरह के जो डिजाइन करते थे वो डिजाइन धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, तो वो उसको वापस जीवित किया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस तरह के जो ये इस तरह की जो कलाएं वापस हो रही हैं, और इस तरह के ये मांडना जो वापस जीवित हो रहा है, उससे लिए बहुत खुश हैं हम लोग भी, और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।